आप क्या करते हैं? करते थे वो भी अभी छोड़ दिया है, क्योंकि वो अपना सीजन खत्म हो गया, क्योंकि अब सर्दियां शुरू हो गई हैं, मिट्टी के बर्तनों की सेल वगैरह खत्म। मिट्टी के बर्तन बेचते थे? 40,000 से शुरू होती है और 5 करोड़ 10 करोड़ तक जाती है एक टांग, लेकिन जो मैंने लगाई हुई है ये तकरीबन कम से जो है ना 60,000 रुपये की एक है। अच्छा, चलें, इससे ये शुक्र है कि आप थोड़ा सा चल फिर सकते हैं, और उसके बाद यानी कि ये भी बड़ा अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने आपको दोबारा ज़िंदगी दी, और उसके बाद फिर भी कुछ ना। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं, आपने थंबनेल वगैरह भी देख लिया है और टाइटल वगैरह भी, तो आज यकीन करें कि मैं बहुत यानी कि मुझे दुख हुआ है, और यकीन करें रोना आ गया था मुझे। तो एक वीडियो मैंने देखी है, वो भाई मजदूर थे टांगों से भी और हाथों से भी, और उनकी बीवी गूंगी और बहरी थी, तो अल्लाह माफ़ फरमाए। तो उनका चैनल है, तो उनकी यानी कि मैं आज आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, उस भाई से रब्ता करता हूँ, और उसके बाद मैं सारी डिटेल आपसे उनसे पूछ कर आपको सुनाता हूँ। और आपने प्लीज़ प्लीज़ उनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और उसको आगे शेयर भी करना है, ठीक है? इस तरह के लोगों की ना यानी कि मुझे बहुत दुख होता है। तो आप प्लीज़ जिसकी सपोर्ट, जिनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है ना, उनको प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करें। तो मैं तो यही कहूँगा, और हमारी वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना, और उनकी वीडियो अगर आप हो और नहीं हेल्प करना चाहते तो उनकी ना वीडियो प्लीज़ प्लीज़ डेली वो यानी कि वीडियो बनाते हैं और अपलोड करते हैं, तो प्लीज़ उनकी वीडियो वॉच कर लेना, और उनके चैनल पर जाकर ही आपको पता चल जाएगा कि वो किस हालात में हैं, और आपको यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी मिल जाएगी। तो आपने प्लीज़ उनके चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और उनके चैनल को शेयर भी करना है, कम्युनिटी पे कर दें, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे भी आप उनको प्लीज़ प्लीज़ फुल सपोर्ट करें, ठीक है? और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जितना हो सके, तो ताकि उनकी फुल सपोर्ट हो सके, ठीक है? तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इतनी ज़्यादा मैं लंबी नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा मैं मुख्तसर यानी कि वीडियो बनाऊँ। तो आपने प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना है उनके चैनल को, और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? आगे मैं अभी कॉल करता हूँ तो, और आपको मैं उनके क्लिप भी दिखाऊँगा। तो प्लीज़ प्लीज़ मैं फिर एक बार कहता हूँ कि उनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है जी भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, कैसे हैं भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जान आप सुनाएं, आप कैसे हैं? और सुनाए, ठीक ठाक हैं? घर में खैरियत है, और बच्चे कैसे हैं? सब खैरियत, सब खैरियत आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा भाई जान, आपका नेम क्या है? अब्दुल्ला नाम है मेरा। मोहम्मद अब्दुल्ला? अच्छा माशाल्लाह। अच्छा जी भाई जान, क्या आपके साथ पेश आया था वाकया, यानी कि मसलन जो आप टांगों से मजदूर हैं, और मसलन क्या हुआ था आपके साथ? एक हादसे में, एक्सीडेंट हादसे में मजदूर हो गया था, और उस वक्त सबको दौड़ाना हमारे लिए चैलेंज था। अच्छा, इससे होती है तो आसानियाँ तक करे आने वाली ज़िंदगी भी और बाकी दुनिया और आखिरत की कामयाबी थे। मसलन किस पे थे, बाइक पे थे या गाड़ी पे थे, कहाँ पे थे? गाड़ी पे, लेकिन यानी कि उसके बाद हमें कोई पता नहीं हादसा कैसे हुआ और कैसे नहीं, और जब होश आया तो हॉस्पिटल में, वो भी कुछ दिनों के बाद जाके होश आया, तो जब बताया गया लोगों ने कि आप कुछ दिन हॉस्पिटल में बैठ रहे आप, तो इन्हें होश ही नहीं थे, कॉमा के बीच में जब इन्हें होश ही तो देखा आपकी आंखों के लिए। अच्छा, अरे हम अल्लाह की ज़ात से राज़ी हैं, मायूस कभी नहीं हुए, हालात चाहे जैसे भी हों, मुश्किल से मुश्किल हालात हैं, पर अल्लाह का शुक्र उसका बड़ा ही फजल है, साल में भी अल्लाह ने
हम पर बड़ा ही करम का हुआ है, शऊर भी छीने दिया है रब ने, ये जो है ना सोच आजम, ये जो है सब अल्लाह ताला ने दिया, हमारे बस में नहीं है। जी जी बिल्कुल, तो यकीन करें मुझे तो बहुत दुख हुआ था आपकी वीडियो भी देखकर, और बस जैसे अल्लाह को मंजूर हो। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ये चैनल मेरे प्यारे भाई इसलिए बनाया था कि मेरी जिंदगी की लोगों के सामने मिसाल के उसके मैंने बातों का ऐसा भी देखा कि लोग अपनी माजूरी को शो करके मांगते हैं, कारोबार बना लिया। इसके अलावा ठीक ठाक लोगों को देखता हूँ वो भी मांगना शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल, हमारी जिंदगी मिसाल है, क्योंकि मेरी मिसेस तो वो भी स्पेशल पर्सन है, बोल भी नहीं सकती, सुन भी नहीं सकती। जी जी, इसमें से मेरे माशाल्लाह 7 बच्चे हैं, मेरी शादी की शादी की। अच्छा जी, माशाल्लाह, बेटे। अच्छा भाई जान, ये कब हुआ था ये वाक्या आपके साथ? 2000 में। सन 2000 में? जी जी। क्या करते थे काम? आप क्या करते हैं? बर्तन करते थे, वो भी अभी छोड़ दिया है क्योंकि वो अपना सीजन खत्म हो गया, क्योंकि अब सर्दियां शुरू हो गई, मिट्टी के बर्तनों की सेल वगैरह खत्म। मिट्टी के बर्तन बेचते थे? हाँ जी हाँ जी। अब नेक्स्ट जो है अपना अप्रैल में मार्च में, मार्च से शुरू होगा फिर, यानी कि दोबारा वो शुरू होगा सीजन। नहीं नहीं, मार्च में जाके, मार्च और अप्रैल असल काम शुरू होगा, मार्च में जाके शुरू होगा। अच्छा, यानी कि जब गर्मियाँ शुरू होती हैं। जी जी, क्योंकि गर्मियों के आइटम है, गर्मियों में इस्तेमाल होने वाले सब्जियों के। जी जी। अच्छा यार, बड़ी हिम्मत है आपकी, मसलन मजदूर होकर आप इतना यानी कि काम करते हैं, और वीडियो में भी मैंने देखा है कि वैसे बड़ी आपकी हिम्मत है। अल्लाह का शुक्र, उसकी मेहरबानी है। जी जी बिल्कुल, हमारे तो वैसे भाईजान, ये जो आपने लगाई हुई है मसलन, ये जो लकड़ी की मेरे ख्याल से वो आपने पाँव लगाए हुए हैं, उससे आपको मुश्किलात तो नहीं पेश आती? ये होती है, लेकिन क्या है, अभी का आदत बन चुकी है रूटीन के साथ, इसके साथ। अच्छा, कोई अगर कोई मसला हल नहीं जरूरत है, अब उसके बगैर कोई रास्ता और नहीं है। सही लगाने के लिए फिर दूसरा ये है कि हमें हर 2 साल बाद नई बनवानी पड़ती है, क्योंकि ये टूट जाती है, जाए अपना जिस तरह एक जूता टूट जाता है वैसे ये टूट जाती है। ये कितने की बनती है फिर? ये बाद में कितने की बनती है? वैसे तो 50,000-40,000 से शुरू होती है और 5 करोड़-10 करोड़ तक जाती है एक टांग, लेकिन जो मैंने लगाई हुई है ये तकरीबन जो है ना 60,000 रुपए की एक है। अच्छा, चलें इससे ये शुक्र है कि आप थोड़ा सा चल फिर सकते हैं, और उसके बाद यानी कि ये भी बड़ा अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने आपको दोबारा ज़िंदगी दी, और उसके बाद फिर भी कुछ ना कुछ चल फिर सकते हैं। तो भाई जान, आपकी तालीम कितनी है? बस 1 क्लास तक गए, तो उसके बाद दोबारा पढ़ ही नहीं सकता। तो ये चैनल कौन चलाते हैं आपका? मैं खुद ही चलाता हूँ, असल में उर्दू पढ़ लेता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, और दूसरा ये है कि गूगल ट्रांसलेटर हमने वो सुन लो दिया हुआ है। अच्छा, क्या सही, उसमें हम बोलते जाते हैं उर्दू में, वो नीचे उसका सवाल कर देते हैं, इंग्लिश में कर देता है उर्दू का। जी जी, चलें ये भी बड़ा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का ये फजल दिया है। अच्छा भाई, मैं आपको बताता हूँ ना, यहाँ पे मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि वीडियो बनाई है, ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये मैं रिकॉर्ड की हुई है और वीडियो बना रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपसे परमिशन ली थी और आपको बताया था। तो भाई जान, आप कुछ कहना चाहते हैं तो जी बोलें। जी, मेरा यहाँ पैगाम है कि मेरी जो वीडियो आप लोगों ने देखी, क्लिप देखा, मेरी तो आपने ऑडियो में भी सुनी, तो आप सबसे गुजारिश है कि हमारी जितनी हो सके भरपूर तरीके से सपोर्ट करें अल्लाह की रजा के लिए, क्योंकि मैं खुद स्पेशल पर्सनल हूँ, आप लोगों ने देखा मेरी मिसेस वो भी स्पेशल पर्सनल है, गूंगी बहरी है, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, और अल्लाह ना करे आज मैं अपनी फरियाद आप तक पहुँचा रहा हूँ, अपने पैगाम आप तक सुना बताता हूँ, लेकिन खुदा ना खास्ता कल को मेरे सिर पे मौत आए
मेरी बेगम तो किसी को कुछ कह भी नहीं सकती, क्या कहना है क्या नहीं उसे तो पता ही नहीं है, किससे बात करनी कैसे नहीं, क्योंकि बच्चे मेरे छोटे हैं। जी जी बिल्कुल, पढ़ भी रहे अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे इस वक्त 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़ी बेटी 7 क्लास में, 2 बेटे 4 क्लास में और 1 बेटी 2 क्लास में और एक छोटी इब्तदा जो नर्सरी पर जो भी बोलते हैं वो। मेरा आपका काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो देखें, शेयर करें, लाइक करें और महत्वपूर्ण तरीके से। जी जी बिल्कुल, इनके चैनल का, भाई के चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कम्युनिटी पे भी दे दूंगा, तो आप सब ने इनके चैनल का, भाई के चैनल का ज़रूर विज़िट करना है, ठीक है, आपको वहां पे सब पता चल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल तस्दीक से आपको पता चल जाएगा। तो ये इस भाई को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ यकीन करें, मैं ना इनकी वीडियो देख कर यानी कि बहुत मुझे दुख भी हुआ, तो यानी कि इस तरह के भी लोग यहाँ पे हैं चैनल पर, तो प्लीज़ इनकी भरपूर सपोर्ट करें, ठीक है। और जब मैंने पहली दफ़ा वीडियो देखी थी ना, तो यकीन करें मुझे रोना आ गया था भाई की वीडियो देखकर। तो मेरी आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ इस भाई को फुल सपोर्ट करें और वीडियो को शेयर करें जितना हो सके, अपनी कम्युनिटी पे लगा दें, जहाँ पे भी आप शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर करें और भाई की फुल सपोर्ट करें प्लीज़, ठीक है। तो ये भाई आपको सब स्टोरी सुना चुके हैं और आपको मैं क्लिप भी दिखाता हूँ, ठीक है, आगे जाकर, तो वो आप क्लिप भी देख लें और भाई के चैनल को ज़रूर विज़िट करें, आपको वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो जी भाई जान, बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का, और मैंने कहा कि चलें यार भाई का चलें, कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा, अगर मेरी वीडियो से अगर भाई का फ़ायदा होता है तो हमारा क्या जाता है। तो ठीक है भाई जान, ठीक है, अल्लाह हाफिज। हाँ तो ठीक है फिर, हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नाजरीन, आप ठीक है, खैरियत से? मैं बेगम को कहता हूँ सलाम कर लो, लोगों से बोलो और फिर दुआ करो अल्लाह सलामती ना करें। असल में ये बोल भी नहीं सकती, सुन भी नहीं सकती, स्पेशल पर्सनल है, यानी कि गुमकी भी है, बहरी भी है। मेरे बादशाह हसबैंड के 7 बच्चे हैं और मेरी हालत आप देख रहे हैं, आपके सामने है। हमारे एक भाई हैं अजहर मावड़ा, उनके चैनल का नाम है अजहर मावड़ा वी लॉग, और उसके चैनल पे मेरा आपने कुछ रिकॉर्डिंग भी सुनी होगी, वीडियो आप देखेंगे उसी पे, क्लिप ये आपने देखना है इंशाल्लाह, उनकी आपने भरपूर सपोर्ट भी करनी है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझसे रब्ता किया है खुद ही, और मेरे कहे बगैर, मुझे इलम ही नहीं था, मेरी वीडियो उन्होंने अपनी कम्युनिटी कवर भी लगाई हुई है, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपसे गुजारिश है कि आपने उनकी वीडियो जरूर देखा करें, वाच किया करें, और हमारे चैनल पर आप आ रहे चाहें तो मोस्ट वेलकम, हम भी खुश आमदीद कहेंगे, और हमारी वीडियो देखिए आपको कैसी लगेगी, आगे आपने जो है ना हमारी वीडियो देखनी है इंशाल्लाह, रब्ता रहेगा आप लोगों से और हम आपके साथ साथ रहेंगे, आपने हमारे साथ साथ रहना है और दुआ में याद रखना है। मैं इजाज़त चाहता हूँ, जज़ाकअल्लाह। अपना ये असल में इसको इशारा करना पड़ता, देखती नहीं है ये किसके लिए डाल रही है, मुछाले को। अच्छा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? कैमरे में जरा दिखाओ, बेटा अपनी अम्मी को कैमरे में दिखाओ, लेके जा रहा है आगे, उधर देने के लिए जा रहा है मेहमानों को, तो क्या कहना है आपने? कुछ दुआ दुआ क्या करना उनके लिए, उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उनको सलामती दे। हैं ये देखें जी, नाज़रीन आपको दुआएं दे रही है कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, जहाँ की अल्लाह आपको खुश रखे, ऐसे ही ये, क्योंकि मैं समझता हूँ ये जो कह रही है, आप खुद जरा कह ना जरा जोर से दुआ। तो ये मुझे भी दोगे कि नहीं? और साथ गिफ्ट भी लाए थे, और गिफ्ट में से कुछ जो है ना बच्चों ने मिठाई अपने से की खा ली है, और अहम बात तो ये है कि मेरी बेगम जो है जो चीज़ नहीं खाती वो उसने छोड़ दी है, और ये देखिएगा अब ये मेरी बेगम मेरी नहीं खाती, ठीक है जी, ये लो ना, अब देखे आपके सामने कह रही मैंने नहीं खाना, लो नाज़रीन ये क्या कह रही भला, ये आपको बताऊं, मैं इसका तर्जमा कर देता हूँ, और वो सुरचल ये कि ये सोनलवा खाती है और बर्फी खाती है,
इसके अलावा मिठाई के बीच में यही चीज वो भी देसी घी के मक्खन देसी घी वाला। हाँ जी कहती देसी घी वाला और नहीं। ठीक है जी, अब ये इन्होंने मेरा ऐसा छोड़ा है और छोटे बेटे के लिए दूसरा बाकी ने खा लिया है। चलो जी ये भी हम खाएंगे इंशाल्लाह। तो नाज़रीन आपसे यही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें, लाइक करें, हमारी सपोर्ट करें। यकीन जाने कि हम बहुत मजबूर हैं, अल्लाह जानता है। और दूसरी बात यह है कि मैंने कल एक अनाउंसमेंट की थी एक वीडियो के बीच में कि जी मैं अपनी जो है बताऊंगा सूरत हाल कि मेरी बेगम गूंगी है उस सबूत के साथ। वैसे आप यकीन करते हैं, ये बात नहीं है कि मैं कहूँ कि आप लोग यकीन नहीं करते, आप यकीन करते हैं, ये बात नहीं है। लेकिन मैं अभी मेरे पास आईडी कार्ड मौजूद है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी बेटा, ये कैमरा आप करीब करके लाएं। ये देख रहे हैं आप मोनोग्राम, ये वाला जो है अपना ये वाला। ठीक है जी, तस्वीर भी इसी की है, किसी और की नहीं है। तस्वीर भी आप देखिएगा, मेरा हाथ ऊपर आ रहा है और ये मोनोग्राम आप देख रहे होंगे। ठीक है जी, स्पेशल पर्सनल ये व्हीलचेयर का मोनोग्राम दिया हुआ है और गवर्नमेंट की तस्दीक से ये बनता है। ये मज़दूर अफराद को अलाउ होता है, इसके अलावा किसी को अलाउ नहीं होता। ठीक है जी, ये आपने देख लिया, बाकी मेरी तो आपके सामने है। वैसे मैं अपना कार्ड भी दिखा लेता हूँ, ये मैंने भी बनवाया हुआ है, नाम आप देख रहे होंगे अब्दुल्ला। ठीक है जी, ये मैंने भी बनवाया हुआ है, तो आपको दिखा दिया गया है क्या? ऐसे अल्लाह देगा ना, अल्लाह से मांगना ना, अल्लाह बारिश की तरह दे। आमीन, आपकी ज़ुबान मुबारक करें, आमीन। तो नाज़रीन मैं जो है ना आप कहने को तो बहुत खुश है और बस आपकी दुआओं की ज़रूरत है और आपके से दरख्वास्त यही है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें और इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, आगे इसको फैलाएँ। और मेरी बकायदा तमाम यूट्यूबर भाइयों से गुजारिश है और मीडिया वालों से भी, उन तक पैगाम मेरा जाता है, उनसे रिक्वेस्ट है हो सके तो हमारे साथ हमारे अपने चैनलों में जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें हमारे चैनलों का तारुफ करवा दें, हमारे चैनल का तारुफ करवा सकते हैं, आप कह सकते हैं, हम आपको दुआएं दे सकते हैं और कुछ नहीं, हमारे पास और कुछ नहीं। अल्लाह ने चाहा, हमें मौका दिया तो जब हम ग्रो कर गए, चैनल हमारा अप्रोच हो गया, तो इंशाल्लाह हम भी बेलो सपोर्ट करेंगे तमाम बहन भाइयों की। और ख़ासतौर पर मेरा ये अहद है, एक मिशन है कि स्पेशल पर्सनल यानी कि मजदूरों को तो मैं लाजमन सपोर्ट करूँगा, इंशाल्लाह पहले भी करता आ रहा हूँ, फिर भी करूँगा। अब मैं इजाज़त चाहूँगा नेक्स्ट